ध्यान में आपको कलर्स दिखाई दे गए? मोस्टली सभी को ना ध्यान में एक आधा कलर्स दिखाई दे ही जाता है जब वो बहुत डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं। ध्यान में जो जो कलर्स बताए गए हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, एक आधा कलर उसमें से किसी ना किसी को दिखाई दे ही जाता है। बट अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसी कौन सी स्टेज है आगे, मतलब अब आगे हमें क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। एक ये डाउट भी लोगों के अंदर ज़्यादा बन रहा है। इस पर भी मुझे लोगों ने कमेंट किया है कि मैडम हमें कलर्स तो दिखाई दे गए हैं बट आगे हमें अब क्या करना है वो बताइए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए आपने अपने इस हार्डवर्क को कि आपने कलर को अचीव किया, मेडिटेशन में देखा। अब आगे आपको क्या करना है, किसी भी इमेज पर, कोई भी इमेज, वो इमेज ओम की हो सकती है, वो इमेज आपके किसी भी लॉर्ड की हो सकती है, वो इमेज किसी भी वस्तु से रिलेटेड या फिर पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनका आप ज़्यादा स्मरण करते हैं, जिनसे आपको कुछ अचीव करना होता है, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनकी भी हो सकती है। आपको उनकी इमेज पर फोकस करना है, विजुलाइज करना है। मान लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है कि आप किसी की तस्वीर को रख के विजुलाइज करें या फिर आप कोई पेपर को रख के उस पर फोकस करें, आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि आप प्रिंट आउट निकालें या फिर आप एक उस पर काम करें, किसी चीज़ पे रख कर उसको फोकस करें, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं उस पर्सन की इमेज को या फिर अपने भगवान, अपने इष्ट की इमेज को कि हम आपका स्मरण कर रहे हैं मेडिटेशन में। और जब आपको उनकी साक्षात यानी कि लाइव इमेज ड्यूरिंग मेडिटेशन दिखाई देने लग जाएगी, तब आपके लिए सबसे बड़ा वो चैलेंज होगा, सबसे बड़ा चैलेंज। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है जब मेडिटेशन में हमें किसी की इमेज दिखाई देती है, और वो इमेज अगर हमारे लॉर्ड, हमारे ईष्ट, हमारे उन देवता की या फिर उन भगवान की होगी जिनको हम सच में मानते हैं, जिनसे हमें डर लगता है कि अगर कोई हमारा बिगाड़ सकता है तो सिर्फ वही है। तो आप अब आपको उनकी इमेज के ऊपर फोकस करना है, ध्यान लगाना है। और जब आप इस टारगेट में भी, इस टास्क में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आपने अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, स्टार देना है, 10 में से 10 मार्क्स देने हैं। आगे की स्टेज कौन सी होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत होगी। चैलेंज है मेरा, क्योंकि आसानी से हम किसी की इमेज को नहीं देख सकते जब तक हम उस पर इतना डेडिकेशन के साथ फोकस ना करें। तो देखते हैं आप इसे कौन इस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। अगर जिस किसी को भी इमेज दिखाई दी जाती है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम एक प्लेटफॉर्म पर साथ काम करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ग्रुप मेडिटेशन, इंडिविजुअल मेडिटेशन, ये सारे एक अपना अपना उन्होंने पैकेज बनाया हुआ है जिस पर वो काम करते हैं, चार्जेस लेते हैं। बट अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहे हैं या फिर मैं समझा रही हूँ, आप उस पर बारीकी से काम करते हैं तो रिज़ल्ट आप भी देखेंगे। ज़रूरी नहीं आपको किसी भी टाइप के चार्जेस को पे करना। बट अगर आपको हाई एडवांस लेवल का मेडिटेशन करना है तो उसके लिए आपको चार्जेस ज़रूर पे करने चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, जो गाइडर होता है उसके लिए भी और जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए भी। तो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, फोकस कीजिए और आगे के टास्क तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।